नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू और परवल की सब्जी। ये सब्जी आप चावल दाल के साथ खाइए या फिर रोटी पराठे के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे परवल। परवल को मैंने यहाँ पे बड़े साइज में कट किया है। परवल को हमें भून लेना है। परवल को चला के मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। फिर मैं इसे ढककर थोड़ी देर भूनूंगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, परवल हमारा भुन गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम भून लेंगे आलू। आप चाहें तो आलू और परवल को एक साथ भी भून सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद डाल देंगे आलू। आलू को ऐसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आलू भी हमारे भुन चुके हैं, अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा और ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हींग। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें भून लेना है। लगातार चलाते हुए हम प्याज को भून लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो आलू और परवल फ्राई किया था अब इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च, टमाटर बारीक कटा हुआ, सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, अब मैं डालूँगी इसमें नमक। इसे अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे और इसे एकदम स्लो फ्लेम पे हम भुनेंगे। सब्जी को हम ढककर गैस पे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और पकने देंगे। सब्जी हम चेक कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये अच्छे से भुन चुका है। पानी आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि परवल और आलू पके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं पसंद है तो आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। इसे हम अच्छे से चला देंगे और ढक कर इसे हम पकने देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे चावल दाल और रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।